महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल हो गई है। अगले हफ्ते महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये देखिए, शिंदे कैंप के 8 नेता अब मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, सबसे पहले खबर देने वाला एबीपी न्यूज चैनल है कि महाराष्ट्र में अगले हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शिंदे कैंप के 8 नेता मंत्री बन सकते हैं। और कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे, क्या बीजेपी के कोटे से भी कुछ मंत्री बनेंगे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, 8 मंत्री शिंदे कैंप से, बीजेपी कैंप से भी मंत्री बनेंगे? देखिए, जो सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिल रही है कि अगले हफ्ते महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 8 जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी आई है और जो करीबी सूत्र बता रहे हैं, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के ही हैं, उनका कहना है कि जे 8ों के जो कोटा है वो एकनाथ शिंदे सरकार यानी एकनाथ शिंदे के गुट वाले जो विधायक हैं उनको ही बनाया जाएगा। अभी तक भाजपा की तरफ से कोई संख्या है क्या, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। भाजपा इस पर बैठक लेगी, उसके बाद तय करेगी कि क्या भाजपा के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। थोड़ा सा दर्शकों को बता दें कि जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जून में, 30 जून को, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे, उसके बाद कई महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था, क्योंकि ये पेच फंसा हुआ था कि मंत्री कौन बनेगा, किसी नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद में 18 मंत्री बनाए गए, 9 भाजपा के कोटे से, 9 एकनाथ शिंदे गुट से। चूंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि स्पीकर फैसला लेंगे विधायकों की अयोग्यता पर, तो जिनको आश्वासन दिया गया था या जो एकनाथ शिंदे के भरोसे पर उनके साथ गए थे, या कि जो कि उनका औहदा एक मंत्री स्तर का था कि मंत्री बन सकते थे, जिनको एक विश्वास दिया गया था कि आपको बनाया जा सकता है, उन लोगों को अब जो तोहफा है वो देने का वक्त आ गया है। 23 मई को जो हमें जानकारी मिल रही है, 23 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 8 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8 के 8 सभी एकनाथ शिंदे गुट के हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है महाराष्ट्र में। मृत्युंजय, आप खबर पर नजर बना के रखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।